हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शन विद एग्जांपल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मूला क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एंड फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, राइट? सपोज मुझे इन तीन नंबर्स का टोटल करना है, तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल टू, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, टोटल प्लस का साइन लगाएंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा। देन अगेन प्लस का साइन, इस सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा। देन प्रेस एंटर, सी 180 आ गया। तो ये इक्वल टू E6 प्लस F6 प्लस G6, ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है, फंक्शन नहीं है, राइट? सपोज मुझे 60 और 50 का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? स्टार सिंबल। उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल दिस सेल एड्रेस, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन दिस सेल एड्रेस, राइट? प्रेस एंटर, सी 60 और 50 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन दिखा दिया। तो इक्वल टू E6 मल्टीप्लाई F6, ये क्या है? फॉर्मूला, नॉट ए फंक्शन, राइट? सपोज मुझे 10 को 5 से डिवाइड करना, तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल टू दिस सेल एड्रेस, डिवाइड के लिए हम स्लैश का साइन लगाते हैं, देन दिस सेल एड्रेस, प्रेस एंटर, सी 10 डिवाइड बाय 5 2। देन इक्वल टू I9 डिवाइड बाय J9, ये क्या है? फॉर्मूला, नॉट ए फंक्शन, राइट? सपोज मुझे 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल टू दिस सेल एड्रेस माइनस दिस सेल एड्रेस, प्रेस एंटर, सी 10 माइनस 5 5। देन इक्वल टू I9 माइनस J9, ये क्या है? फॉर्मूला, नोट ए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जब हम इक्वल के बाद सम, एवरेज, मिक्स, मिन, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, वी लुकअप, एच लुकअप, इन फंक्शन के नाम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, राइट? नाउ सम फंक्शन कैसे यूज करते हैं? हमें इन तीन नंबर्स का टोटल करना है विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन, नॉट फॉर्मूला, राइट? कैसे लगाएंगे? इक्वल टू SUM सम, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब हम कर्सर को कॉर्नर पे लेके जाएंगे, ये प्लस का साइन हो गया, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे, सी टोटल आ गया। अब हम शॉर्टकट की से भी टोटल कर सकते हैं। सपोज मुझे इस रेंज का टोटल यहाँ पे करना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस करते ही सम फंक्शन डिस्प्ले हो गया, देन प्रेस एंटर, सी, राइट? क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज। इस टेबल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का टोटल गिवन है, हमें क्या निकालना है? एवरेज। अब हम एवरेज फंक्शन कैसे यूज करेंगे? इक्वल एवरेज, देन हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, सी
60 आ गया। कर्सर को कॉर्नर पे लेके जाएंगे, प्लस का साइन हो गया, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, सी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आता है मैक्स एंड मिन। मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, और मिन का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम, राइट। सपोज मुझे इस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम फंक्शन कैसे यूज करेंगे? इक्वल मैक्स, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें से? 80, राइट। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू इक्वल मिन, देन इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? 12, राइट। अब हम यहाँ पे टेबल में कुछ मॉडिफाई करते हैं। हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी 1, तो यहाँ ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला में हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक, राइट। अगर हम यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैंने 12 करी, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या सिलेक्ट किया हुआ है? मैनुअल। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गई, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। अभी जो तीनों फंक्शन है वो क्या करते हैं? सेल को काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से सेल को काउंट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है काउंट, वो उन सेल को काउंट करता है जिन सेल में नंबर्स होते हैं, राइट। अब हम काउंट फंक्शन कैसे यूज करेंगे? इक्वल काउंट, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेल में नंबर्स गिवन है, इसलिए इसने क्या डिस्प्ले किया? 5। नेक्स्ट आता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है? किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू होती है उसको काउंट कर देता है, मीन्स हर टाइप की वैल्यू को काउंट करता है। काउंट ए फुल फॉर्म क्या है? काउंट ऑल, राइट। कैसे यूज करेंगे? इक्वल काउंट ए, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ब्लैंक। नेम से क्लियर है, काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है? ब्लैंक सेल को काउंट करता है, राइट। इक्वल काउंट ब्लैंक, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। हमारे कितने सेल ब्लैंक हैं? 1, 2 एंड 3, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिम एंड लेंथ फंक्शन। ट्रिम क्या करता है? किसी भी सेल में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको रिमूव कर देता है। अब हमारे पास ये नेम गिवन है, इनमें एक्स्ट्रा स्पेस दिए हुए हैं, हमने इनको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? ट्रिम फंक्शन से, राइट। इक्वल देन हम यूज करेंगे ट्रिम, देन दिस सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे, राइट। राखी दुआ इसमें
दो से ज्यादा स्पेस है, इसमें भी स्पेस गिवन है, इसमें भी स्पेस ज्यादा है, तो उन सबको इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब दो वर्ड्स में हमारे सिंगल सिंगल स्पेस आ गए, राइट। अगर हम चाहते हैं एक सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेंथ, राइट, इक्वल एलईएन लेंथ। इस सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर सी। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे। लेंथ फंक्शन क्या करता है, सिंगल स्पेस को भी काउंट करता है। राखी में कितने हैं, 5, दुआ में कितने हैं, 3, 5 + 3 8, और 1 1 सिंगल स्पेस 9, राइट, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।